Hi student, this is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today's topic, chapter number 7, Environmental Changes of Workbook Activities. So in previous video, we will see introductions and some explanations of chapter number 7. So now in this video, I will upload some workbook activities of the chapter number 7. So now we will start chapter number 7, Environmental Changes of Workbook Activities. So first we will see the question number 1, MCQ of the chapter. So students, don't write the options in your notebook, and it's a compulsory, all the chapters of workbook activities you have to write down in your SS notebook. So next question number 2, fill in the blanks. Question number 7 का आंसर ग्रीनहाउस इफेक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज.
ट्वेल्व का आंसर जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। व्हाट इज एटमॉस्फेयर और व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेयर? द हेयर दैट एनवेलप्स अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स, इसके बाद आएगा, इज नोन एज एटमॉस्फेयर। लास्ट में कंपलसरी लिखना है। नेक्स्ट, हाउ इज एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड? एटमॉस्फेयर इज पॉल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर, POWER, power stations, 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 vehicles, 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 domestic, DOMESTIC, domestic fuel, 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 etc. So question number 1 में आप ध्यान दीजिए प्लीज। The air that envelops, ENVELOPS, envelops earth from all sides is known as atmosphere. So next question number 3, what is an environmental change? So one by one questions करके उसका answers देखते हैं। अगर साथ में questions देखे बाद में answers देखें तो आप लोग confused हो जाओगे। So इसके लिए one by one questions and इसका answers देखते हैं। So in your textbook page number 37, second paragraph full, second paragraph full आएगा question number 3 का।
द चेंजेस से लेके एनवायरमेंटल चेंजेस तक। So first question number 4, what is weather? And question number 5, what is climate? So question number 4 का answers पहले देखते हैं। So in textbook page number 37, वहाँ पे weather, what is weather लिखा हुआ है topic, also full 2 lines full लिखना है। So यहाँ पे लिखा हुआ है वॉट इज वेदर, ये दोनों लाइन्स फुल लिखना है। What is climate का answer? In textbook page number 38, first paragraph, 2 lines full लिखना है। नंबर 6, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? सो ये क्वेश्चन का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 में ग्लोबल वार्मिंग का पैराग्राफ शुरू होगा। सो फर्स्ट 2 लाइन्स लिखना है। सो उसका आंसर भी अभी हम देखते हैं। सो ये रहा पेज नंबर 39 में ग्लोबल वार्मिंग का पैराग्राफ, फर्स्ट 2 लाइन लिखना है, उसके बाद लास्ट लाइन पूरा लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एमर्ज? सो इसका आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40, सेकेंड पैराग्राफ फुल। सो पेज नंबर 40 में सेकेंड पैराग्राफ है। सो कार्बन डाइऑक्साइड से लेके क्लाइमेट चेंज तक पूरा लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमोसफियर? सो इसका आंसर्स हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं, थोड़ा और भी इसमें वर्ड्स ऐड करना है। सो ये वाला आप आंसर्स मत लिखिए, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स दिखा रही हूँ। सो इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 में नाइट्रस ऑक्साइड का पैराग्राफ शुरू होगा, 42 में, तो उसमें से वो
वन लाइन पूरा लिखना है, द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड से लेके पीपीएम तक। एट्थ का आंसर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ क्लोरो फ्लोरोकार्बन सीएफसी इन द एटमोस्फियर। सो वन बाय वन क्वेश्चंस और उसका आंसर्स देखते हैं, बाद में 10 का आंसर देखेंगे, पहले क्वेश्चंस 9 का देख लेते हैं। सो 9 का भी आंसर वही पेज नंबर 42, नाइट्रस ऑक्साइड के नीचे वाले पैराग्राफ फुल लिखना है, तीनों के तीन लाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एक्सेट्रा, जी ई वो टी एच ई आर एम ए एल, उसके बाद में आपको एनर्जी लिखना है। सो 11th का भी क्वेश्चन देख लीजिए इसके अंदर, वैन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन टू थिंक ऑफ वेस्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हेल्ड। का आंसर्स देखते हैं, 11th का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 फर्स्ट पैराग्राफ में है। सो ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन से लेके पूरा ब्रेजिल तक आपको लिखना है। सो फर्स्ट अभी 12 का देखते क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द लास्ट वर्ल्ड कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। सो नेक्स्ट हम 13 का देखेंगे। सो 12 का आंसर इन द बीटिंग वही सेकेंड पैराग्राफ में, पेज नंबर 46 सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन से लेके सेकेंड लाइन, ग्लोबल वार्मिंग तक 12 का आंसर। सो नेक्स्ट अभी 13 का दिखेंगे। सो 13 का और 14 का आंसर सिर्फ 16 सितंबर आएगा, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे, 16 सितंबर। सो 13 का अभी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, जो जहाँ पे आपने 12 का स्टॉप किया है उसके बाजू में 13 का शुरू करना है, वहाँ से लेके ग्रीन हाउस केसेस तक लिखना है, उसके बाद वापस ओएन ऑन से लेके कार्बन डाइऑक्साइड
एंड लास्ट लार्ज से लेके कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक 13 का लिखना है। सो नेक्स्ट 14 का भी आपने देख लिया ऑलरेडी, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे? 16 सितंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो इसका आंसर पेज नंबर 38 इन टेक्स्ट बुक लास्ट पैराग्राफ पूरा लिखना है। ये रहा आंसर, एक पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको 5.1। सो क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द होम अप्लायंसेस ऑफ डेली यूज विच ऐड टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ये आपको नहीं लिखना है, पहले सिर्फ इसमें से क्वेश्चंस देख लीजिए, आंसर मैं आपको बाद में इसमें वीडियो में करवा दिखा दूंगी। सो ये रहा सेकेंड का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ प्रोपोर्शन ऑफ CO2 इंक्रीजेस इन द एटमोस्फियर? कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर एंड दिस एंड दस TH इज दस द साइज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एट द सेम टाइम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑल्सो राइजिंग, एज अ रिजल्ट द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज बाय द वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन। पेपर का स्पेलिंग VAPOUR, यहाँ पे यू आएगा, POUR, यहाँ पे PU आएगा।
So next question number 4. To protect ourselves from the increasing temperature, what type of houses should be constructed? The doors, windows and roof of our house should be constructed in such a way that they will allow enough, ENOUGH, enough sunlight and air into the house. The roof should have a slope and the roof tiles should be arranged that the roof does not get heated. So next question number 5, answer the following questions. State the possible adverse effect of global warming. So इसका answer textbook में है. So इसमें बहुत सारे points दिए हुए हैं. So इसमें से आपको जो 0.6 points easy लग रहा है वो 6 points आपको learn करना है. So in textbook page number 43, so 43 में ये points है, इसमें से आपको जो easy लग रहा है वो 6 points आप लिख के learn कर सकते हैं. Second question, write a short note on necessary steps to prevent global warming. So iska answer in textbook page number 45. Isme bhi bahut sare points hote hain. So isme se aapko jo 6 points, isme to 8 points aapko learn karna hai, not 6 points. So any 8 points you have to write down in notebook and learn the points answers. सो ये रहा मेशर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. इसमें से कोई भी 8 पॉइंट्स आप लिख के नोटबुक में लर्न करना है. सो स्टूडेंट्स द चैप्टर ऑफ वर्कबुक एक्टिविटी इज ओवर. So write down all the activities in your notebook and learn the answer. Thank you and take care.